होंगी सभी समस्याएं, आप अपनी समस्याओं से लड़े तो सही। सब लक्ष्य होंगे हासिल, आप अपने जीत पर अड़े तो सही। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे आप कठिन से कठिन समस्याओं से निजात पाएंगे और कैसे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यदि आप सदैव ही अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करें और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत अभ्यास करें, तो निश्चित रूप से इन दोनों चीजों को आप अपने जीवन में बेहतर ढंग से कर सकते हैं, अर्थात समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं और कठिन से कठिन लक्ष्य सपने को भी साकार कर सकते हैं। साथियों, समस्याओं को कैसे दूर किया जाए? सबसे पहले आप देखिए उस चीज को कि समस्याएं किस चीज से क्रिएट हुआ, देन फ्रेंड्स आप उसको दूर करने के लिए सतत अभ्यास करिए। चाहे वो कोई भी समस्या हो, चाहे वो आपके सर्विस से संबंधित हो, पारिवारिक संबंधित हो, अध्ययन से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो या कोई भी फील्ड से संबंधित हो, जब तक आप अपनी समस्याओं पर शोध नहीं करेंगे और जब तक जानेंगे नहीं कि समस्या आखिर हुआ कैसे, तब तक साथियों आप अपनी समस्याओं को दूर करने पर बेहतरी से कार्य नहीं कर सकते हैं। और जिस दिन आप अपनी समस्याओं को बहुत ही बारीकियों के साथ अध्ययन करेंगे तो आपको अवश्य ही उपाय मिलेगा। इसी प्रकार साथियों, यदि लक्ष्य आपको हासिल करना है तो आपको अपने भीतर का सबसे पहले, जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको अपने भीतर के ऊर्जा को जगाना होगा, क्योंकि आपके भीतर जो योग्यता विद्यमान है, जब तक आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक साथियों कुछ होने वाला नहीं है। और इस ऊर्जा के सदुपयोग से आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर कार्य करेंगे। साथियों, यह जो आत्मशक्ति होती है वह हमें कठिन से कठिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और इसी के बल पर साथियों, हर एक आम इंसान खास बना है अपने बड़े से बड़े कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करके। साथियों, आप देखे होंगे कि जब आप निराश होते हैं तो आपको उस समय कुछ भी सूझता नहीं है, लेकिन जब आप ये सोचते नहीं मैं ये कर सकता हूँ, एक अपने भीतर एक ऊर्जा के साथ, एक विश्वास के साथ कुछ करने के लिए सोचते हैं तो अपने आप आपको अनेक राह मिलने लगते हैं कि आप ये राह पे चलेंगे तो आप इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यदि आप इस राह पे चलते हैं तब भी आप इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक तरह से साथियों, जब आप सकारात्मक होते हैं तो स्वयं आपको कई मार्ग मिलने लगते हैं। और कहा जाता है कि जब आप अपने लक्ष्य पाने के प्रति समर्पित होते हैं तो ब्रह्मांड में भी साजिश होने लगता है कि कैसे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। देन फ्रेंड्स, आप अवश्य ही सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूर्ण भरोसा है साथियों आप पर कि आप एक ओर जहां अपनी